नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल द स्टडी पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, UPPCS के पैटर्न में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, तो उसी के विषय में इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपकी रुचि हिस्ट्री में, पॉलिटी में, इंडियन इकोनॉमी में है, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद वो जो बेल आइकन है, जो घंटी है, उसे याद से दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि पहले कैसे परीक्षा होती थी UPPCS में, और अब आगे जो पैटर्न आया है वो किस प्रकार का है, यानी कुल मिलाकर बदलाव हुआ क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर किस प्रकार से तैयारी करें उसकी रणनीति मैं आपको बताऊंगा, और एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है जिसे मैं आपको दिखाऊंगा, और जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इस बार नया पैटर्न जो आया है उसमें सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान है। अपेक्षाकृत जब ये 2019 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो ये मुश्किल होता हुआ चला जाएगा। उसे एक जो है डाटा के माध्यम से मैं आपको यहां प्रेजेंट करूंगा, तो अंत तक वीडियो को देखिएगा। तो देखिए, अगर हम प्री की बात करें, प्रारंभिक परीक्षा की, तो दो पेपर होता था, GS1 और GS2, जिसे हम सी सेट कहते थे। तो 200 नंबर का GS1 होता था और 200 नंबर का GS2 यानी सी सेट होता था। सी सेट में क्वालिफाइंग करना होता था, मेरिट केवल एक पेपर की बनती थी, ठीक है। सी सेट में केवल पास होना होता था, मेरिट बनती थी जीएस के पहले पेपर से, ज्यादातर लोग जानते होंगे। तो ये जो प्री का एग्जाम है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये जो नया पैटर्न आया है इसमें प्री में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसे पहले प्री होती थी उसी तरह से अब होगी, इसमें कोई बदलाव नहीं। मेंस की अगर बात करें तो हिंदी का एक पेपर और एसे यानी निबंध का एक पेपर होता था, 150-150 नंबर का, तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसे पहले होता था उसी प्रकार से अब भी होगा, ठीक है। तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, जैसा कि मैंने लिखा है। अब मुख्य बदलाव क्या हुआ है उसको देख लीजिए। अभी तक जो मुख्य परीक्षा में जीएस का पेपर होता था वो होता था दो, GS1 और GS2, मुख्य परीक्षा की बात कर रहा हूं, मेंस की बात कर रहा हूं, और इसमें जो है 200-200 नंबर के पेपर होते थे, दो होते थे, और ये दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के होते थे, यानी गोला रंगने वाले होते थे, टिक मार का परीक्षा होते थे, जैसे प्री में होता था, होता है, ठीक है। अब इसकी जगह, इन दो जीएस पेपर की जगह चार जीएस का पेपर आया गया। कितना? चार, दो की जगह चार, और ये चारों सब्जेक्टिव हो गए, डिस्क्रिप्टिव हो गए, यानी आपको लिखना होगा, प्रश्न पूछा जाएगा, आपको लिखना होगा। अब ये अलग बात है कि 10 नंबर के ये 20 सवाल पूछ लेंगे, या फिर ABCD करके सेक्शन बनाएंगे, उस सेक्शन के हिसाब से कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिस जो दो दो नंबर के होंगे, कुछ 5 नंबर के होंगे, कुछ 20 नंबर के, जैसा भी, ये अभी नहीं पता है, और ना ही ये पता है कि इन पेपर्स में पूछा क्या जाएगा। यह तो तभी पता चलेगा जब नोटिफिकेशन आएगी। अभी बस इतना पता चला है कि जीएस के चार पेपर हो गए, ठीक उसी प्रकार से जैसे यूपीएससी में है, और ये चारों पेपर जो है डिस्क्रिप्टिव होंगे, यानी सब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। यह बात समझ में आ गई। दूसरा बदलाव देखने को मिला ऑप्शनल के पेपर में। अभी तक क्या होता था कि दो जीएस का पेपर होता था और दो ऑप्शनल होता था, ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2, यानी वैकल्पिक विषय जो आप चुनते हैं स्वयं की इच्छा से, एक पूरा समूह है सब्जेक्ट्स का, उसमें से जो आपकी रुचि हो आप चुनते हैं। तो पहले दो पेपर इसका होता था और 400 मार्क का एक ऑप्शनल और 400 मार्क्स का एक ऑप्शनल, इनमें दो दो पेपर होता था, यानी कुल चार पेपर होते थे और 200-200 नंबर के एक पेपर होते थे, यानी 400+400 यानी 800 नंबर का ही ऑप्शनल होता था। इसकी जगह पर अब एक ऑप्शनल आ गया, केवल एक,
पहले दो ऑप्शनल लेना होता था, अब एक ऑप्शनल लेना होगा और इसका वेटेज जो हो गया वो हो गया 400 नंबर। तो अगर हम देखें तो जीएस का वेटेज 400 से बढ़ाकर 800 कर दिया गया और ऑप्शनल का वेटेज जो कि पहले 800 था उसे घटा करके 400 कर दिया गया, यानी जीएस पर अब ज्यादा फोकस हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखें तो 1500 नंबर का ये मेंस का एग्जाम होता है, 1500 सब अगर आप जोड़ लीजिए, पहले भी 1500 था अब भी था, यहां देखें 300 400 700 और 800 1500, इधर अगर आप देखें तो ये 300 तो है ही, उसके बाद 800, ये 1100 और ये 400 1500 और इंटरव्यू के में जो है डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगता था, भेदभाव का, कि लोगों को जातीय के आधार पर इंटरव्यू में नंबर दे दिया जाता है, तो उसको रोकने के लिए सरकार ने फैसला लिया कि पहले 200 नंबर का होता था इंटरव्यू, 200 नंबर का, तो अब उसे घटाकर 100 कर दिया गया, यानी पहले जो कुल अंक था वो 1700 था, अब हो जाएगा वो सब 1600। ठीक है, यानी इंटरव्यू 100 नंबर का होगा। ठीक ना, तो ये बदलाव हुआ है। अब हम बात करना चाहेंगे कि इस बदली हुई परिस्थितियों में तैयारी हम किस प्रकार से करें, अपने प्रिपरेशन को हम कैसे जो है धार प्रदान करें। देखिए, अभी तक क्या था कि रटने की क्षमता आपके अंदर कितना है उसी का टेस्ट होता था, पीसीएस बराबर रटने की क्षमता, जो जितना अच्छा रटने वाला होगा वो उतना नंबर लाएगा। अभी यही पद्धति थी, आप पेपर भी देख रहे हैं, प्रीलिम्स का देख लीजिए, और मेंस के नाम पर यह था कि जीएस में भी टिक लगाना था। लिखित परीक्षा केवल और केवल थी ऑप्शनल में और यहां पर थी, तो कुल मिला जुला करके और एकदम जो है सामान्य स्तर के जीके पूछे जाते थे। तो जब ये एग्जाम जो है जीएस के चार पेपर आ गए तो निश्चित रूप से प्रीलिम्स के भी एग्जाम में आपको जो है बहुत हाई वर्जन के प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो प्रश्नों का लेवल बड़ा तगड़ा आपको देखने को मिलेगा प्रीलिम्स में भी। क्यों? क्योंकि जीएस में भी जो है ये चार पेपर लेकर के आ गए हैं मुख्य परीक्षा में, तो निश्चित रूप से ये जांचना चाहेंगे कि आप जो है जब छटनी परीक्षा, इस प्रीलिम्स को हम छटनी परीक्षा कहते हैं कि जो फालतू के लोग हैं उनको छाट दो और जो क्रीम बचे उनको मेंस में लेकर के आओ, तो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के प्रश्न भी आपको बड़े मुश्किल होंगे। और इसलिए जो है प्रीलिम्स प्लस मेंस ये इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर के आपको चलना होगा, बल्कि ये कहा जाए कि मेंस का अप्रोच हो कि नहीं, मेंस मुझे क्वालिफाई करना है, मेंस के लिए पढ़ना है, प्री उसी के हिसाब से आपका निकलेगी। आप मेंस पढ़ रहे हैं वही सब्जेक्ट है, अब देखिए इसमें भी पूछना है प्रीलिम्स में भी, क्या तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स, इन्हीं पांच के इर्द गिर्द पूरा एग्जाम आपका घूमेगा, यही पांच कंट्रोल करेंगे। तो ये प्रीलिम्स में भी होंगे और मेंस में भी होंगे, हो सकता है यूपी स्पेशल इंट्रोड्यूस करें लोग तो 20% इन जीएस के चारों पेपर्स में हो सकता है कि उसका जो है हो, और एथिक्स का पेपर हो सकता है जोड़ दे, हालांकि जैसा कहा जा रहा है कि नहीं यूपीएससी को ये कॉपी कर रहे हैं तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो अब अप्रोच जो होनी चाहिए वो मेंस के लिए होनी चाहिए, मुख्य परीक्षा के लिए होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब बड़े बड़े खिलाड़ी भी आ जाएंगे, जैसे ही ये यूपीएससी के लेवल पर गया वैसे बड़े खिलाड़ी और आ जाएंगे अदर स्टेट्स के, और थोड़ा जो है कंपटीशन मुश्किल हो जाएगा। अभी तक हमारे यहां क्या है कि लोग प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए लगे रहते हैं, और पहले ऐसा अप्रोच ठीक भी था क्योंकि प्रीलिम्स बड़ी टफ हो गई थी, इतना फैक्चुअल पूछता था कि कोई भी व्यक्ति जो रटने वाला नहीं है उसे पास करना प्रीलिम्स बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन अब जो बदलाव हुआ है इसमें जो है प्रीलिम्स में भी दिमाग लगा के करने वाले प्रश्न ज्यादा देखने को मिलेंगे, और इसलिए जो है जो मेंस में बढ़िया फाइट कर पाएंगे ऐसे लोग प्रीलिम्स में से क्वालिफाई करके आएंगे। तो इसलिए जो है अप्रोच हमारा मेंस का ही होना चाहिए, मेंस के हिसाब से ही पढ़ना चाहिए। अब मेंस के हिसाब से कैसे पढ़ें उसके लिए मैं आपको सुझाव दूंगा।
देखिए मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पूरा पढ़ाया है, इंडियन इकोनॉमी के भी 3-4 लेक्चर चैनल पे लगे हुए हैं और इंडियन पॉलिटी के भी 4 लेक्चर लगे हुए हैं। उन सारे लेक्चर्स को आप देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पढ़ना किस प्रकार से चाहिए। उसके बाद जो यूपीएससी में पिछले वर्ष प्रश्न पूछे गए हैं उसको जो है आप देख करके उस लेक्चर से आप देखिएगा कि क्या आप उसका जवाब दे पा रहे हैं, तो वो अप्रोच आपको मेरे वो लेक्चर्स जो है समझा देंगे। क्योंकि जब वो अपलोड हो रहे थे तो लोगों को लग रहा था कि ये यूजलेस है, बहुत ज्यादा बातें ये बताते हैं, लेकिन अब जो है वो यूजलेस नहीं रह गया, अब उसी का ही यूज रह गया और वही अप्रोच लेकर के चलना पड़ेगा। तो उस लेक्चर को आप देख लेंगे तो आप जो है सीख लेंगे, उस अप्रोच को मुझे बताना अलग से नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, ये देख लिया। अब जो मैं आपको बताना चाहता था कि इस बार सबसे अच्छा सुनहरा मौका आपके पास है जो है यूपी में पीसीएस क्वालिफाई करने का, पीसीएस अधिकारी बनने का। वो मैं क्यों कह रहा था, देखिए यूपीएससी में जैसे इस बार यूपी पीसीएस के सिलेबस में बदलाव हुआ, उसी तरह से यूपीएससी के मेंस के पैटर्न में 2013 में बदलाव हुआ। प्री में तो 2011 में ही हो गया यूपीएससी के, लेकिन मेंस के पेपर में बदलाव हुआ 2013 में। तो जो पेपर आज आप देखते हैं मेंस का, जिसमें 4 जीएस है, 1 निबंध है, उसके बाद 1 ऑप्शनल है, ये सब जो है 2013 में आया यूपीएससी में, ठीक है, वहां पैटर्न बदला, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं कि यूपी पीसीएस में जो बदलाव अभी हो रहा है, तो उस हिसाब से यूपीएससी में 2013 में पैटर्न बदला। जब नया पैटर्न आया तो लोग एकदम जो है कंफ्यूज हो गए कि किस प्रकार से पढ़ाई करना है। वहां भी पहले 2 जीएस के पेपर थे, उसके जगह पर 4 जीएस का पेपर आ गया, तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया। और उस बार 2013 में जो मेंस का रिजल्ट आया उसमें आपको जान के हैरानी होगी कि 1750 टोटल नंबर में से 564 नंबर पर कट ऑफ जो है बनी, यानी 1750 की मुख्य परीक्षा में जिस लड़के ने 1564 नंबर पा लिया, यानी कि 32% अंक प्राप्त कर लिया, वो जो है मेंस क्वालिफाई कर लिया और इंटरव्यू देने के लिए चला गया। इस पर बहुत चर्चा भी हुई कि अरे ये लोग देश को चलाने वाले अधिकारी बन रहे हैं और इनकी स्थिति है कि 32% नंबर लेकर क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये 564 में ही हो गया, इसका कारण क्या था? देखिए नया पैटर्न जब बदलता है तो स्टूडेंट्स में उपापोह की स्थिति हो जाती है, क्या पढ़े कैसे पढ़े। अब यही देख लीजिए, रटने का पूरा था, अभी तक हम लोग बार बार कहते थे कि ये जो घटना चक्र है उसको रट लीजिए रट लीजिए, पेपर 40% रिवाइज होता है प्रीलिम्स में, यही सब हम बता रहे थे। लेकिन अब पूरी बात पूरी कहानी पलट गई, तो लोगों को लगता है क्या पढ़े कैसे पढ़े, पूरा अप्रोच चेंज करना पड़ता है। यहां क्या था कि ऑप्शनल का ही बेटे 800 नंबर, 2 पेपर, जिसके 2 सब्जेक्ट्स अच्छे से तैयार है वो मैदान मार सकता है। जीएस में क्या है, वो भी ट्रिक मार का है, तो लगभग सारे लोग समान है। आज क्या है कि ऑप्शनल का बेटे 400 हो गया और जो है, तो स्थिति बड़ी भ्रामक हो जाती है। नोट्स उपलब्ध नहीं होते हैं, मटेरियल उपलब्ध नहीं होते हैं, लोग जो है अपने को पहले वाले मोड से नए मोड पर लाने में ही 1 साल लगा देते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कैसे पढ़े क्या करें क्या करें क्या अप्रोच हो, ये सब हो रहा है, ये साल भर चलता रहेगा, परीक्षा हो जाएगी। तो इन सब वजह से स्टडी मटेरियल नहीं था, लोगों में उपापोह की स्थिति थी, एकदम 32% पर मेंस क्वालिफाई हो गया। और ये जो है यूपीएससी में ही नहीं हुआ, ये यूपी पीसीएस में भी रिपीट करेगा ये पैटर्न। क्यों? क्योंकि आप स्वयं से देखिए उपापोह की स्थिति है कि नहीं, लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि नहीं, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। और लेकिन जैसे ही पहली परीक्षा होगी लोगों को आइडिया हो जाएगा कि क्या पूछता है पेपर में। उसके बाद जो लोग धीरे धीरे अपने में बदलाव लाते हैं उनके लिए भी 1 साल पर्याप्त है, वो भी बदलाव ला देंगे और फिर मैदान में लड़ाई ज्यादा टफ हो जाएगी। अभी आसान है, अभी ज्यादातर लोग सोए हुए हैं। तो देखिए 2014 में जब ये एग्जाम हुआ यूपीएससी का, तो फिर उसमें देखने को क्या मिला कि तुरंत जो है 678 हो गया,
जिस लड़के ने 678 नंबर पाया था वो जो है इंटरव्यू में क्वालिफाई कर गया, और ये 678 का लगभग 38% होता है। ठीक है, अगर इससे देखें आप, इससे इसका डिफरेंस तो 114 नंबर का डिफरेंस था, यानी 2014 में ही इतनी स्थिति बदल गई कि 114 नंबर हायर हो गया मेरिट, और परसेंटेज की बात करें तो 6% का ह्यूज डिफरेंस देखने को मिला। यानी अब मार्केट में अवेयरनेस हो गई, स्टूडेंट्स में अवेयरनेस हो गई, और अब ज्यादा जो है कमर बांधकर लोग जो है मैदान में डट गए, उनको पैटर्न समझ में आ गया, उनको सिलेबस समझ में आ गया, क्या पूछता है एग्जाम में वो समझ में आ गया, और तुरंत जो है ये बढ़ गया। हालांकि इसका एक अपवाद भी देखने को मिला 2015 में, जबकि 676 पर जो है ये गया। ठीक है, तो लगभग 38% ये भी था, दो नंबर कम पर ही मेंस क्वालिफाई हुआ। इसका कारण यह था कि 2015 में पेपर बहुत टफ आ गया था, इसकी चर्चा भी हुई थी कि पेपर बहुत टफ आ गया था, और इसलिए। तो ऐसा नहीं है कि ये जो मैं बात बता रहा हूं उसको ये गलत काट रहा है, पेपर बहुत टफ हो गया था इस नाते से। और 2016 में क्या हुआ उसको देख लीजिए, 2016 में 787 पर जो है मेरिट चली गई। अगर इससे देखें, इससे तो 223 नंबर अधिक, यानी ये केवल जो है पहला पेपर हुआ 13 में, और 16 में 223 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला। यानी बहुत जागरूकता, नोट्स आ गए, सारी चीजें हो गई, अवेयरनेस सब चीज हो गया, 223 पर चला गया। ठीक है, अगर ऐसे हम बात करें तो ये 44% था, 44%। तो ये स्थिति जो है, और इसलिए मैं कह रहा हूं, देखिए इसका कुछ अपोजिट बात भी ये है कि अब चूंकि यूपीएससी के हिसाब से हो गया, तो ज्यादातर जो यूपीएससी दे रहे थे लोग वो भी यूपीपीसीएस में आकर फाइट करेंगे। लेकिन ये बात जो है आधी सही है, आधी इसलिए सही है कि जो लोग मुख्यतः यूपीएससी को टारगेट, वो यूपीपीसीएस का एग्जाम देने नहीं आते हैं। तो एक चीज तो है कि जो मूल रूप से यूपीएससी समझते हैं कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे वो यूपीपीसीएस का एग्जाम नहीं देने देते हैं, और जो लोग यूपीएससी क्वालिफाई करने लायक स्वयं को नहीं समझते हैं वो यूपीपीसीएस में भी बहुत फाइट कर नहीं पाएंगे। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार सबसे अच्छा मौका आपके लिए है कि आप जो है इस उपापो की स्थिति में, जब सारे लोग जो है न्यूट्रल हैं, कैसे आगे बढ़ा जाए इसको डिस्कस कर रहे हैं और एक साल तक डिस्कस करेंगे, उस समय जो है बड़े आराम से आप जो है इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। और देखिए, आप आधार जब भी बनाइएगा यूपीएससी के मुख्य परीक्षाओं में, इन जीएस के पेपरों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हल करने का अब प्रयास करिएगा। अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की आपकी बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में, वो किस टॉपिक से पूछे गए हैं उसको प्रश्न को देखिए, और फिर उस टॉपिक से जुड़े हुए मेरे लेक्चर्स को देखिए, आपको जो है काफी कुछ मेरी बातें समझ में आ जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं इसी तरह के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।